जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी पर जमी हमने, अभी सारा आसमान बाकी है। हमें इंसानियत के लिए काम करना है, हमें सिर्फ बिल्कुल एक तबके या एक पर्टिकुलर जगह, हमें सब इंसानियत के लिए काम करना है। उसके लिए हम शान बाशान आपके साथ हैं और हम आपको वादा करते हैं इंशाल्लाह चाहे एजुकेशन लाइन हो, रिहैबिलिटेशन लाइन हो या एनवायरनमेंट हो, हम आपका पूरा साथ देंगे। थैंक यू वेरी मच। मंजूर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तारीफ पीछे करनी चाहिए, एट हिज बैक नॉट इन फ्रंट। सामने तारीफ करना वो अपीजमेंट है, वो चापलूसी। लेकिन मंजूर साहब के बारे में मैं ये कहूंगा कि मंजूर साहब का जितना मैं वकील हूं उतना कोई नहीं हो सकता। बहुत से लोगों से मैंने कहा यार यहां बड़े बड़े बिजनेसमैन, अल्लाह ताला ने उनको बहुत कुछ दिया है, लेकिन जरा मंजूर साहब के सामने उनको खड़ा कर दीजिए, किसने मस्जिद बनाई, किसने लोगों के मकान बनाए, किसने कौन लोगों के काम आया, किसने ये मिशन बुशनेर की शुरुआत की, अपने लिए जीना कोई जीना नहीं। कहते हैं आदमी दूसरों के लिए जीना चाहिए। जो मैंने सूरह शरीफ की यहां तिलावत की, उलमा कहते हैं कि यही काफी था, इट्स कंप्लीट वे ऑफ लाइफ, कंप्लीट तरह जिंदगी शीशान चेष्टा हमारी सूर मुसलमान श्रेष्ठा कि अल्लाह तला चीज बड़ी इम्तिहान की दुनिया या है कुछ नहीं, लिहाजा कि दुनिया में किसी के काम आए आदमी बड़ी बात है। यहां मधु साहब ने जो किया 300 फैमिलीज, अल्लाह तला इनको अजर दे, ये आराम करेंगे ये लोग विंटर में। कहने का मतलब ये है कि इस जिंदगी में आदमी किसी के काम आए, किसी गरीब की मदद करे, ट्रस्ट में उसमें बहुत मजा है। तो मुझे उम्मीद है कि चला बिलाले ने जो काम किया है, और मंजूर साहब की एंटायर टीम ने बिल्कुल मशहूर हूं, ये जो आजकल सोसाइटी को दे रहे हैं बड़ी बात है। अल्लाह तआला इनको सलामत रखे, खुश रखे, आप सबको सलामत रखे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हुकुमुल इबाद इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो अल्लाह के बंदे हैं उनके हम पर क्या हक है, उनका ख्याल रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हुकूकुल्ला जो अल्लाह के हक हैं हम पर, वो तो उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे ज्यादा, वो हम सबको पता है। उस पर बेशक अल्लाह आपको माफ भी करेगा, हमें माफ भी करेगा, लेकिन बंदों का हक खाओगे, बंदों के साथ किसी किस्म की ज्यादा करोगे, उस पर कभी नहीं बचेगा। जैसे आज मिशन बुशनेर के मौजूद के तहत उन्होंने कोई चैरिटी का काम शुरू किया है, it has been going on since last 5 years, to allah kare ye aage aur badhta rahe aur hum sab ko isme shumooliyat participation aur contribution ki taufeeq bhi de। What is important is to take an initiative to start something। Har kaam mein allah taala ki raza matloob, in do cheezon ke दायरे में रहकर जब भी कोई बंदा या कोई बंदी इंफिराद या इज्तिमान कोई कदम उठाए, हम में से हर एक को हुक्म दिया गया है कि ताउनु अलल बिर व तक्वा
नेकी और तकवे के कामों में एक दूसरे की मदद है। एक ऐसा उसूल कुरान मुकद्दस ने बयान फरमाया है जिसका जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक है। सर्दी से बचाव उसके लिए, गर्मी से कोशिश कर रहे हैं, बड़ी मुबारक कोशिश है, लेकिन इनके साथ साथ कम अज कम अपने जात और अपने घर की हदूद के अंदर फिर जितना आगे अल्लाह से काम लें, जहन्नम की आग से बचाव की फिक्र करें। अल्लाह मुझे भी आप हजरात को भी इंसानियत के काम आने की तौफीक अता फरमाए। एक फर्द है जो हमारी कलेक्टिव सोसाइटी की इन सारी जो बीमारियां हैं उनका इलाज अपने जहन से सोचता है कि एक फर्द क्या कर सकता है, उसके बाद ये एक इदारे के तौर पे सामने आती हैं। ये मिसालें मंजूर साहब की, चाहे वो एनवायरमेंटल चीज़ें हों उसको प्रिजर्व करने का जो इंसानियत का बेसिक तकाजा है, चाहे वो जो बाकी इतने काम हैं। तो मेरे कहने का मतलब है अगर मंजूर साहब के जहन में विषय मिशनर या ये चीज़ें आती हैं, एहसास वगैरह सारा सिलसिला, हम सब तो कन्विंस्ड हैं, तभी तो हम यहाँ हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि 2025 में हम अपने अपने हिस्से ये ले लें कि कम से कम 5 आदमियों को हम कन्विंस करें कि ये जो कश्मीर वेलफेयर ट्रस्ट के इसके साथ जुड़ जाए। हमें कम्युनिटी में जाने के लिए कुछ ना कुछ करना। और हाजी मंजूर साहब करो शुक्रिया अदा, तिकाज अगर शुक्रिया अदा करो मैं कि सुबह नाइन से इस बार तुम या सवाब जो महफूज है शेयर कसम मौका वमा अलै नहीं। तो आज के लोग बिल्कुल तमाम लोग नीचे के छे लेकिन स्टाफ सब ने बोल रही कि कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट कसम मे बसान पे शहर नारीबन कश्मीर की हिस्ट्री मज़ आ हालांकि गोसान ब्रोन तारीफ कर जी मोहब्बत यह कहान पान पता बहुत कम कर ची वरी जन सिपरी जो असल बहुत लॉकडाउन मैं मतलब आव चवान तथा सो मोकलो सो तो मैं उसका मशहूर हूँ कि इन्होंने अल्लाह ने काम दिया हम इसके लिए मतलब हाजिर हैं कुछ भी काम है मेडिकल लाइन से लास्ट में कहता हूँ मेडिकल लाइन से जो भी इसको जरूरत होगी इंशाल्लाह यहाँ जो भी है दवाई की जरूरत है कोई एम्बुलेंस की जरूरत है इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे। मैं मंजूर साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि मंजूर साहब ने जैसे ये कदम इकदाम उठाए हैं एक तो इकोलॉजी को एनवायरमेंट को सेफगार्ड करने के लिए प्लस जो हमारी सोसाइटी है सोसाइटी को कुछ देने के लिए ये अल्लाह ताला की देन है और मंजूर साहब हमारा जरिया है कि आज हम इस नेक काम में अल्लाह ताला ने हमें इस नेक काम में जोड़ दिया।
مشن مشنیر ہیں، یہ بھی ایک کڑی ہے، اس کی طرح زیادہ کی ہمیں تعاون دیتی ہیں. دوسری جانب جو ہمارا ٹورزم کا خطہ ہے وہ زیادہ زندہ ہے، ہمیں یہاں پر جو ہماری خوبصورتی ہیں اس کی طرف سے ایک پہل کی ہم نے یہ کیا کہ ہم آنے والے سالوں میں جو لاکھ ہے ہماری آرگنائزیشن 10 لاکھ پودے وہ کریں گے. اس کے لیے ہمیں چونکہ نہ نظر دین جو میں نے پہلے کہا لیڈرشپ کوالٹی ہر ایک میں نہیں ہوتی ہے، ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جیسے آپ نے سر آپ کا فاروق صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں آپ کی وہ عکاسی کی کہ آپ نے کتنا کچھ کیا ٹوریزم انڈسٹری کے لیے. ایسے ہمارے محمود صاحب ہیں تو اس کو ہم نے اس کا چیئرمین بنایا ہے، تو آنے والے سالوں میں اس کے ساتھ جڑ جائیں گے. اور بھی جو سماج کے ہمارے دوسرے ہیں انسٹیٹیوشنز ہیں انڈیویجولس ہیں آرگنائزیشنز ہیں ان کو اس کے ساتھ جوڑ کے وہ ایک ہدف ہم پورا کرنے جا رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کا مدد کر کے آگے بڑھیں گے. منظور صاحب کے بارے میں سنس آئی ایم ویری کلوزلی ایسوسیٹڈ ود منظور صاحب ورک بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب ان کے پروگرامز میں پرسنلی شرکت کرتا ہوں. سب سے بڑا کام جو منظور صاحب کر رہے ہیں وہ ہے اماج مٹن ایکالوجی پہ. آپ سب جانتے ہیں کہ کشمیر جس چیز کے لیے سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یہاں کے آبشار ہیں، یہاں کے گلیشیئرس ہیں، یہاں کے سبزار ہیں، یہاں کے ندی نالے ہیں. اگر تھی ٹور ویری پاس ویری برونٹ وچ ہو یہ حالت کیا ہے، اگر آج وچ یہ حالت آج ڈیفرنٹ. آج جو منظور صاحب نے یہاں پہ یہ مشن پیش کیا ہے کیونکہ ان کا ہر ایک ورڈ جو یوز ہوتا ہے وہ مشن سے ہی جڑ جاتا ہے. میں تو بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. ہماری جیسے ایسے منظور صاحب نے اپ کی ایسے کیا تو ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی ایسی صلاحیت ہے.